सो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, फिनाले की रात है और आप री सेट के अंदर गए थे, क्या कितना एक्साइटमेंट, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक सो हर एक इंसान का जो इस इंडस्ट्री में है उसका एक सपना है कि वो एक बार बिग बॉस स्टेज पे जाए या घर के अंदर जाए, और उससे बड़ी बात कि आप स्टेज शेयर कर रहे हैं सलमान सर के साथ। आई थिंक सो इससे बड़ा एक्सपीरियंस हो नहीं सकता इस इंडस्ट्री का। सो यू आर शेयरिंग द स्क्रीन विद हिम, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई फील सो वेरी ग्रेटफुल कि मैं अभी जाके सलमान सर से मिल के आई हूँ और उनसे हाथ मिला के आई हूँ। आई फील रियली वेरी ग्रेटफुल। जो घर के अंदर हैं अभी तो उनके लिए कयामत की बात हो रही है, आप लोग का भी कयामत से कयामत का शुरू हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वेल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी जो स्टोरी है कयामत से कयामत तक, ये बहुत ही यूनिक स्टोरी है। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार है टेलीविजन में, आई थिंक सो लव स्टोरीज बहुत ज़्यादा चलती हैं, लेकिन हर स्टोरी एक डिफरेंट लव स्टोरी होती है, एक जैसी नहीं होती, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। और आई थिंक सो हमारा बेस्ट एलिमेंट हमारे शो का ये है कि दोनों में से कोई एक मरकर वापस आता है दूसरे के लिए, भगवान से लड़कर वापस आता है कि हमारा प्यार अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें शुरू करना है अभी प्यार। True. मेरा भी यही मानना है, टोटली इट इज़ एन इटर्नल लव, और कोई इंसान एक इंसान से इतना प्यार कर सकता है कि वो ऊपर जाके वापस आ जाता है उस इंसान के लिए। सो आई फाइंड इट वेरी यू नो वेरी ब्लेस्ड उस इंसान के लिए जिसने उस इंसान को खो दिया, पर फिर एक पॉइंट के बाद, एक टाइम के बाद वो इंसान वापस से उस इंसान को पा लेता है। सो इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। 100% के अंदर बहुत ग्लैमर अभी चल रही है, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है टॉप, किसके हाथ में जा सकती है अभी तक ये जो आपने देखा अंदर? देखिए पर्सनली अगर मैं बोलूं, अभिषेक 100% लाइक मेरे अंदर से आवाज़ है कि वो इंसान जीतना चाहिए, क्योंकि उस इंसान की जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, उस इंसान की जर्नी बहुत खूबसूरत रही है, उसने बहुत फाइट की है उस घर के अंदर, एंड ही डिजर्व दैट ट्रॉफी। या मेरे लिए तो अंकिता लोखंडे थी, बट कोई बात नहीं, वो बाहर हैं, पर आई फाइंड हर वेरी पावरफुल एंड मुझे ऐसे लगता है उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। सो मैं बस उन्हें इसलिए सपोर्ट कर रही थी बिकॉज शी इज़ इंडिपेंडेंट और वो वेल ऑफ है, शी इज़ फ्योरलेस। मुनव्वर का जन्मदिन भी है, लोग कह रहे हैं कि आज आई डिडंट नो अबाउट दिस, डोंगरी जा सकती है। देखिए आई थिंक सो मेरा ये मानना है कि चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुनव्वर अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड सेकंडली मेरा ये मानना है कि उस घर में जो टॉप थ्री में बैठे हैं उस घर के अंदर, वो अपने आप में एक विनर बन चुके हैं। totally. आपको ठीक है ट्रॉफीज अनदर थिंग, लाइक यू हैव ग्रेट अचीवमेंट, बट आई थिंक सो वो टॉप थ्री में रहना उस घर में इज अ बिग टास्क। अपने आप में विनर हो, एग्जैक्टली अपने आप में विनर हो आप, क्योंकि आप इतनी बड़ी जर्नी से निकले हो, इतने अप्स एंड डाउन से निकले हो, बहुत सारा ट्रॉमा होता है अंदर, आप कुछ जितने भी कंटेस्टेंट है उस घर के अंदर आपको खाने को आते हैं, मारने को आते हैं, आपको नीचे फेंकने को आते हैं ताकि वो जीत सकें, उसके बावजूद आप उस घर के अंदर हो। मुनव्वर आई नो मेरे ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, विशेस आपके साथ हैं फॉर योर बर्थडे, बट स्टिल आई विल स्टैंड फॉर अभिषेक। कभी मौका मिला आप बिग बॉस के घर में जाने का? 100% व्हाई नॉट, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई मीन आई थिंक सो ये क्या ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपके अंदर का, लाइक यू नो एक अभिनेता जो होता है ना स्क्रीन पे एक अलग होता है लोगों के लिए, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने फैंस को दिखा सकते हो कि आप कौन हो, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, आपका नेचर बिहेवियर आप क्या है, आप बोलते कैसे हो, बैठते कैसे हो, सब कुछ। मेरा इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है बिकॉज आई डोंट थिंक मैं कैपेबल हूँ शो में जाने के लिए। मुझे ऐसे लगता है अगर मैं उस शो में गई तो दूसरे दिन मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, पहले निकल बहुत रोती है ये, सो आई डोंट थिंक आई एम कैपेबल फॉर इट। कोई बात नहीं, वक्त और समय बनाते हैं। लेट्स सी, थैंक यू। थैंक यू।